हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल कीर्ति हरीश की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस यहाँ पर देख सकते हैं आप, चीकू को आज पकड़ लिया है क्योंकि चीकू को बहुत ज़्यादा पिस्सू हो गए हैं। तो जो साबुन है ना पिस्सू की, तो वो ही लगा रहे हैं, लेकिन चीकू बार बार यहाँ वहाँ भाग रहा है, उसको पसंद ही नहीं आ रहा लगवाना। लेकिन जब भी चीकू जहाँ पर ही बैठता है तो निकलते हैं, इसीलिए अच्छे से लगा देंगे तो एक बार में पूरे जो पिस्सू है ना झड़ जाएंगे। इसको वैसे तो मैंने जो होता है ना तम्बाकू, उसको उबाल कर लगाया था मैंने, लेकिन उससे कोई भी वो नहीं दिखा। साबुन बहुत अच्छी है, इस साबुन से पूरे पिस्सू निकल जाते हैं। तो इसीलिए गीला करके और चीकू को अच्छे से लगा देंगे कि शाम तक इसके सारे पिस्सू निकल जाएँ और फिर इसको नहला देंगे। लेकिन चीकू ये अच्छा नहीं लग रहा है कि ये लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना परेशान कर रहा है, एक जगह खड़ा ही नहीं रह रहा है। एक जगह खड़ा रही तो अच्छे से लग भी जाए और अच्छे से निकल भी जाए, लेकिन नहीं, वो तो इधर उधर घूम रहा है। वो सोच रहा है पता नहीं नहा रहे होंगे, इस वजह से नहाने से यहाँ वहाँ भागता है हमेशा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इसकी हम करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे सोम के पास। और इसके साथ साथ आप सोम को भी देख सकते हैं, सोम को भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पर बेटी लगा रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मुझे तो मैं अच्छे से लगा दूंगी, क्योंकि ये भी बहुत यहाँ से वहाँ हिल रहा था। तो फिर मैंने इसको टाइट किया, इसकी रस्सी जो थी ना बहुत टाइट कर दी कि यहाँ से वहाँ नहीं हो वो जा पाएगी, और इसको अच्छे से लगा दूँ, क्योंकि इसके भी पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े हो गए हैं पिस्सू, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो खून भी पीते होंगे, और इसको भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आती है इस वजह से। तो आप देख सकते हैं इस बाल्टी में लगा रखा हुआ है थोड़ा सा पानी, और उसी में साबुन डाल डाल के मैं पूरे उसके शरीर में अच्छे से साबुन लगा दूंगी कि जिससे जितने भी पिस्सू हैं सारे निकल जाएं। तो ये देखिए, उस ये जानवरों को नहाना क्या पता क्यों नहीं है। इसको वैसे मैंने एक बार और लगा दिया था साबुन तिवारी जी ने, तब भी निकल गए थे, लेकिन इस बार थोड़े से फिर से आ गए हैं, क्योंकि ये गर्मी पड़ी है ना तो फिर से आ गए, और अब हो गए हैं बड़े बड़े तो बहुत ज़्यादा खून पीते होंगे। तो इसीलिए मैंने कहा इसको मैं लगा देती हूँ और कल तक इसको फिर नहला देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, और यहाँ पर मैं कर दे रही हूँ सोम की अच्छे से साबुन लगा देती हूँ, और फिर मिलती हूँ जब तक आ जाएगी गौरी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में। और बस फ्रेंड्स, यहाँ पर बस मैं देखने चली गई थी गौरी को, तो गौरी आ गई है, और थोड़े पैर वगैरह में रह गया था तो बेटी लगाने लगी। तो बस फटाफट से मैं ले आती हूँ बाल्टी और फिर करेंगे गौरी की मिल्किंग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तो आपको दिखाती हूँ। पहले देखिए गौरी आ रही है, मैंने अभी देख लिया, आप खुद देख सकते हैं सामने खड़ी हुई है बिल्कुल गौरी। वहाँ पर दूबा है तो दूबा खा रही है, तो इसीलिए मैं इनकी वो लगा देगी, और इसके बाद हम करेंगे गौरी की मिल्किंग। आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो बस जब तक बेटी लगा देगी उसको अच्छे से साबुन का जो पानी है, साबुन तो वैसे उसमें बहुत ज़्यादा है तो वो ही लगाना है, तब तक गौरी आ ही जाती है। तो आप देख सकते हैं गौरी धीरे धीरे करके आ ही रही है, वहाँ पे कुछ था इसीलिए खाने लगी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम गौरी को भी अंदर कर लेते हैं, और थोड़ी सी गौरी को भी लगा देंगे, क्योंकि गौरी के भी बहुत छोटे छोटे पिस्सू हो रहे हैं, मतलब सभी जानवरों को हो रहे हैं। तो आज हमने कहा चलो इनका खेल ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब जैसे ही ये लोग बैठते हैं तो बाहर निकल आते हैं। इसीलिए मैंने कहा आज इनको साबुन लगा देती हूँ, फिर इनको आराम से नहला देंगे। अभी बारिश भी हो रही है तो गौरी तो वैसे भी नहा लेगी, लेकिन सोम और चीकू को नहला देंगे, तो इसीलिए मैंने साबुन लगा दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच फुल इन्जॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी गौरी आ गई है, गौरी को भी थोड़ा सा साबुन का पानी बचा हुआ है तो वो लगाएंगे, इसके बाद हम करेंगे गौरी की मिल्किंग। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए।